हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनिता व्लॉग्स। तो अभी बजे सुबह के 8:30 और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। वैसे आप लोगों को पता है हम हॉस्पिटल 12 बजे तक जाते हैं, लेकिन आज इतनी सुबह सुबह इतनी जल्दी से ले जा रहे हैं क्योंकि पापा की आज एंडोस्कोपी है। तो एंडोस्कोपी के लिए हमें 9:30 तक पहुँचना है। तो बस अभी 8:30 हो रहे हैं, 9 बजे तक हम निकलते हैं, 10 बजे तक पहुँचते हैं और दिखा दूँ मैं आपको आप लोगों को। स्टे ट्यून। आज सुबह सुबह घर से हम लोग जल्दी निकले थे क्योंकि आज जल्दी पहुंचना था, तो आज कैब ड्राइवर ने बहुत लेट करा दिया। पहले एक कैब बुक करी, उन्होंने 15 मिनट वेट करवाया, उसके बाद कैंसिल कर दी राइड। फिर दूसरी कैब बुक करी, उन्होंने हमें 30-40 मिनट्स वेट कराया। 2000 years later. तो फाइनली कैब आ गई और निकल गए हम लोग। बस अब यही है कि आज ट्रैफिक ना मिले क्योंकि वैसे ही हम लोग इतना लेट हो चुके हैं। मम्मा कैब में बैठ के थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि सब सुबह सुबह जल्दी उठे थे, तो नींद किसी की भी पूरी नहीं हुई थी। सुबह 7 बजे हम लोग उठ गए थे और 8:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे, तो इस वजह से हम लोग की नींद पूरी नहीं हुई और मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल। चलते हैं अंदर। ये देखो आप लोग, हॉस्पिटल में लिफ्ट के बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ होती है ऊपर जाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए और हमसे पहले से चाचा पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने उन्हें मम्मा ने फटाफट पेपर्स वगैरह दिए, फिर पापा को लेके चले गए वो सीधा डायरेक्ट एंडोस्कोपी के लिए रूम में अंदर। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लाइन भी बड़ी लंबी होती है। तो ये देखो चाचा लेके जा रहे हैं पापा को डायरेक्ट अंदर, और मैंने बहुत दूर खड़े होकर शूट करा है। मतलब वहाँ पे अलाउड है ही नहीं शूट करना, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट कर दिया। और यहाँ पे मम्मा और मैं कंटिन्यू देख रहे हैं कि अब पापा बाहर आएंगे, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, बस यही वेट करते हुए। फिर उसके बाद पापा बाहर आए तो डॉक्टर ने बताया कि एक स्टेंट डलेगा। पता नहीं क्यों डॉक्टर जब एंडोस्कोपी करते हैं जब स्टेंट नहीं डालते, 2-3 घंटे बाद दोबारा एंडोस्कोपी करते हैं, जब डालते हैं तो बस। फिर उसके बाद मैं पापा की फाइल्स और पेपर वगैरह लेके आ गया था ऊपर वार्ड नंबर 23, जहाँ पे पापा का मतलब सारा ट्रीटमेंट वगैरह होता है। क्योंकि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने बताया था डॉक्टर ने अर्ली एंट्री का लिख दिया पापा को, मतलब पापा को दोबारा एडमिट की ज़रूरत है, तो बेड नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने कहा था आगे पता करते रहें। तो आज हम एंडोस्कोपी के लिए आए थे, तो मैंने जाके पता करा तो आज भी बेड अवेलेबल नहीं है। तो बज गए थे दोपहर के 3, तो पापा कुछ खाने के लिए लेके आए थे मम्मा और मेरे लिए, क्योंकि अब भी नहीं पता था कि डॉक्टर और कितना वेट कराएंगे दोबारा एंडोस्कोपी के लिए स्टंट डालने के लिए। तो बस फिर पापा लेके आए थे छोले भटूरे, ब्रेड पकोड़े, तो ये सब मम्मा और मैंने बैठ के वहीं पर ही हॉस्पिटल में ही बैठ के खा लिया। तो आज मम्मा की तबीयत ख़राब होने लगी थी उस, क्योंकि सुबह से मम्मा ने, अब दोपहर के 3 बज गए थे, कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो आप लोगों तो पता ही है शुगर में ज़्यादा टाइम कुछ ना खाओ तो तबीयत ख़राब होने लगती है, तो मम्मा की शायद शुगर लो होने लगी थी। फिर मम्मा और मैंने फटाफट बैठ के जो पापा लेके आए थे वो सब खा लिया। A few moments later. तो फाइनली पापा की एंडोस्कोपी भी हो गई और स्टंट भी डल गया। और अब पापा और मम्मा को लिफ्ट से भेज दिया और पापा और मैं इधर से जा रहे थे क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया यहाँ लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बस पापा और मम्मा ही चले गए और चलते हैं वापस घर। तो आज कैब तो जल्दी से बुक हो गई थी, लेकिन कैब का वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ा, तो हम सब यहीं खड़े होकर कर रहे थे कैब का वेट। तो फाइनली 15-20 मिनट बाद कैब आ गई थी गेट पे, तो मम्मा और मैं पैदल जा रहे थे और पापा को पापा ले गए थे स्कूटी पे गेट तक। तो बस चलते हैं। और यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि साथ में जैसे पापा हैं किसी, सबके साथ पेशेंट होते हैं, तो कैब अंदर आने ही नहीं देते, तो हमें फिर गेट तक जाना पड़ता है पैदल। आज फूफा थे तो फूफा ले आए पापा को बाहर तक, तो ये रहे फूफा, फूफा जा रहे हैं अब घर और हम फूफा अपने घर जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं।
तो फूफा थोड़ी आगे तक हमारी कैब के साथ साथ ही चल रहे थे, तो फूफा को पता है मेरे को हलवा पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हें रास्ते में फूफा को दिखा कहीं हलवा पराठा, तो फूफा ने कैब रुकवा दी कि बस 2 मिनट के लिए कैब साइड में लगाओ, तो फटाफट मुझे हलवा पराठा मेरे लिए पैक करवा के पकड़ा दिया कि ये घर ले जाके खा लेना। मतलब बीच रास्ते में हलवा पराठे वाले दिखे और फूफा ने रोक के वो मेरे को लेके दे दिया। और ये देखो फूफा स्कूटी से लाते हुए डांस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और फूफा की वीडियो बना रहा था। ये देखो तो घर आके मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि इतना थक चुके थे कि बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था शूट करने का। तो बिग बी भी सुबह 6 बजे के उठे हुए थे कि 6 बजे ऑफिस गए थे, फिर घर आके सो गए। हम लोग तीनों भी 7 बजे के उठे हुए, तो हम भी बहुत थक गए थे और सो गए। 2 hours later फिर सो के उठने के बाद मैंने ओवन में गर्म करके हलवा पराठा खाया जो फूफा ने लाके दिया। तो यही सब रीज़न है जिसकी वजह से मेरा वेट कम नहीं हो पाता, कि जिसे मतलब सबको जो पता होता है कि मुझे ये अच्छा लगेगा तो वो सब ला ला के देते रहते, मैं खाता रहता हूँ। A few moments later. तो जब से हॉस्पिटल से आए थे मुझे थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही थी, फिर मुझे लगा कि सुबह जल्दी उठ गए थे, पूरा दिन हॉस्पिटल में निकल गया, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा सो जाऊंगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर सब हम लोग सारे सो गए थे, वो आप लोगों ने व्लॉग में देख लिया। लेकिन सो के उठने के बाद मेरी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो फिर थर्मामीटर लगाया, चेक करा, तो पता चला मुझे फीवर हो गया। तो फीवर की वजह से मुझे फीवर में और कुछ मतलब कुछ नहीं होता, बस मेरे हाथ पैर पूरी बॉडी में पेन होता है, तो बस मम्मा बैठ के मेरा पैर दबा रही थी। उसके बाद फिर मम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था खाने का भी, क्योंकि फीवर में मेरे को ना खाने का दिल करता है, कुछ भी नहीं होता, बस मुझे पूरी बॉडी में पेन होता रहता है। तो मम्मा ने मुझे खाना खिलाया, उसके बाद फिर बिग बी को बोला, बिग बी आते हुए मेरे लिए मेडिसिन भी लेके आया, फिर मैंने मेडिसिन खाई। जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लिप में देखा, मुझे आज बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है। जब से हॉस्पिटल से आया तो बिग बी ने मेरे लिए KFC ऑर्डर करा, तो आ गया मैं लेने जा रहा हूँ ये। और क्योंकि इसमें मतलब इस वजह से क्योंकि मुझे KFC अच्छा लगता है और मुझे बुखार हो गया, तो मैंने कहा मतलब कहानी और ऑर्डर कर दिया KFC। और ये देखो हूर को हमेशा की तरह खाने के टाइम आके मेरे पैर पे ऐसे आके खड़ी हो जाती है, और बस फिर सबका मुंह देखती रहती है। फिर हम सब ने खाया खाना, और चिंकी भैया भी आए हुए थे तो उन्होंने भी हमारे साथ खाया। ये देखो बिल्कुल अपने एयरपोर्ट्स ढूंढते हुए कैसे लेट गए, वैसे कोई चीज खोई हो तो कभी ऐसे ना ढूंढे। ये देखो गाइस, ये देखो एक कान का है और एक कान की डब्बी में एयरपोर्ट्स खो दी। और व्लॉग में आप लोग कितनी बार देखते ही होंगे जब देखो एयरपोर्ट्स खोते रहते हैं। यार तू चल, कहीं नहीं आ रहा पर मम्मा देख रही है, वीडियो बनाई जा रही है। तो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था बिग बी ने एयरपोर्ट्स खो दिए थे, तो तब एयरपोर्ट्स खो दिए नए ऑर्डर करे थे, तो अब ये नए वाले इस बार फिर से खो दिए बिग बी ने। और कभी और कोई चीज ढूंढी उत्ते उससे देखो गाइस,
देखो गाइस, रोज एयरपोर्ट खोते हैं अपने रोज। अल्लाह पप्पा गाली वगैरह। वो देखो बिग बिग कहाँ लेट गए पप्पा के पास। वहां देख रहे हैं बेड के पीछे तो नहीं गिरे। मम्मा कह रही बाहर गिरा आया। एक कान का जब आपने पैन लगाया है पहना है तो एक कान का बियर करा आपने तो डब्बी कहाँ रखी थी। बिग बी मम्मा को धमकी देते हुए। बिग बी क्या धमकी दे रहे हो? कुछ नहीं बताओ। 10,000 का खर्चा हो रहा है। बिग बी कह रहे हैं अगर मेरे ये एयरपोर्ट्स नहीं मिले तो 10,000 का खर्चा होगा। 1,000 रुपए के एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स कह दो। 1,000 रुपए के एयरपोर्ट्स खोए और अगर कह रहे नहीं मिले धमकी तो नए ले आऊंगा। नए कौन से वाले? बताओ कौन से वाले। नहीं हम वो एटीट्यूड नहीं दिखाते। हाँ मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। मम्मो तो जल्दी जल्दी ढूंढने में लगी हुई है कहीं बिग बी खर्च दे पैसे जाके। कह रहे जमीन फट के अंदर चला गया जमीन जुड़ गई। पूरे घर में ढूंढ लिया नहीं मिल रहा है। कंटेंट मिल गया। कह रहे कंटेंट मिल गया और ये कंटेंट पहले भी मिल चुका। पहले भी खोए थे एयरपोर्ट्स। बिग बी का ये पुराना वाला एयरपोर्ट्स मिल गया। उल्टा है ये देखो। ये पहले बिग बी ने इसके एक कान का खो दिया था और अब डब्बी और एक कान का खो दिया। अब एक कान का बचा लेकिन ये इसमें फिक्स नहीं हो रहा। दोनों इसी का एक ही कान के है। तो बिग बी का एयरपोर्ट अभी तक फिलहाल नहीं मिला तो मैं सोच रहा हूँ ये ब्लॉग यहीं एंड कर दूँ। बहुत दिन से ब्लॉग की एंडिंग नहीं दी। अभी बजे रात के 12 और अभी हम लोग सो रहे हैं क्योंकि कल फिर से हॉस्पिटल जा रहा है। तो बस जल्दी से सो रहे हैं। कल भी मतलब फिलहाल जल्दी ही सोते क्योंकि हॉस्पिटल आज भी गए थे परसों भी गए थे कल भी जाना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग के लिए। डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। मिलते हैं कल एक्साइटिंग ब्लॉग से। कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय टेक केयर।